हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं सोमनाथ जी के, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है शिव जी का। और आप ये देख सकते हो, सामने प्रवेश एंट्री यहाँ से दी जाती है और अंदर आपको मोबाइल वगैरह गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक चाबियाँ कुछ भी ले जाने देते हैं, जो आप बिल्कुल फ्री में निःशुल्क यहाँ जमा करा सकते हो। बिल्कुल सामने एंट्री गेट के सामने बना हुआ है, जहाँ पर क्लॉक रूम है, आप जमा करा सकते हो और फिर आप दर्शन करके आइए आराम से। और इस समय पहले ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से दर्शन होंगे। तो हम अंदर जाके आते हैं और अंदर से आने के बाद फिर बताएंगे आपको कितनी भीड़ है अंदर, कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। और दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ओनली 15 मिनट में हमारे दर्शन हो गए आराम से। और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी और मंदिर का दृश्य भी अंदर से बहुत ही सुंदर है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहाँ से यहाँ की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। आपको वहाँ से ऑटो रिक्शे आराम से प्रोवाइड हो जाते हैं मेरे मंदिर के बिल्कुल पास में। और पुराने मंदिर के जस्ट सामने निःशुल्क भोजनालय जी सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आयोजित है। यहाँ पे अन्य क्षेत्र, यहाँ पर आप निःशुल्क प्रसाद खा सकते हो सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक और शाम को 7 से लेके 8:30 तक। और अब भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के बाद में बिल्कुल सामने एंट्री गेट के सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ का जो व्यू अच्छा सा दिखाते हैं। बीच पे भी जाने का रास्ता वहीं से है। एंट्री टिकट क्या लगती है, फ्री है एंट्री टिकट कुछ है तो वो भी हम आपको बताते हैं चलते हैं। ये सामने है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और मात्र 5 रुपए का टिकट लेके हम अंदर आ गए। यहाँ बच्चों के लिए साइकिलिंग भी होती है, लेकिन वो 12 से 4 तक बंद रहती है, तो हम वो नहीं ले पाए। नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको साइकिलिंग करवाते हैं। यहाँ पर कपल साइकिलिंग भी होती है, बच्चों के लिए 10 रुपए 1 घंटे के लिए, कपल के लिए 20 रुपए ओनली। और अब देखते हैं और आगे बीच पे क्या क्या है। और यह बीच का किनारा, यहाँ देखिए कैमल सवारी चल रही है, हॉर्स राइडिंग भी है। जहां तक देखोगे समुद्री समुद्र दिखाई देगा। ओ वाओ, और ये है भाई समुद्र, समुद्र के किनारे आ गए। देखो देखो पानी पूरा जाने वाला है, देखो ये देखो ये गया, ये पूरा पानी चला गया। वाह, ये एक फिश दिख रही थी, फिश यहाँ पे उछल कूद कर रही है, फिश वो रही वो रही वो रही वो रही। और ये मंदिर है बाल का तीर्थ, जहाँ कृष्ण भगवान जी को बाण लगा था। इस मंदिर में भी आए हैं, जब हम सोमनाथ जी के दर्शन करने आए तो सोचा पास में ये मंदिर है, इसके भी दर्शन कर लेते हैं और आपको भी ये मंदिर दिखाते हैं। बाल का तीर्थ,
काफी अच्छी डिजाइन बनाया गया है मंदिर का। तो ये हम पहुंच गए बाणगंगा पे। बाणगंगा पे ये शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पानी इतना आ जाता है समुद्र का, ये कभी कभी डूब जाता है, कभी बाहर रहता है। आज पानी इतना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बाहर है। लोग बिल्कुल पास जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं शिवलिंग से और आशीर्वाद ले रहे हैं। और उधर देखे तो वो ये देखो, ये सोमनाथ जी का मंदिर रह गया है। ये मेन मंदिर है सोमनाथ जी का। इसके बिल्कुल पीछे की तरफ भी बाणगंगा है। अगर पैदल पैदल भी आओ तो लगभग 2 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसकी इच्छा थी बाणगंगा पे आने की और किसी ने नहीं बोला। अब ये जाएगी समुद्र में डुबकी लगाने।